दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल विश्वकर्मा एंटरप्राइजेस। और दोस्तों, मैं आपके लिए बॉक्स लेके आया हूँ। तो इन डिजिटल का बॉक्स है दोस्तों, इसका ये है माई बॉक्स INC002। तो दोस्तों, इसमें जो एक प्रॉब्लम आ रहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे देखिए दोस्तों, हमने AV का वायर भी लगाया, बट ये अभी तक मिक्स लाइट है। ये दो लाइट है इसमें, देखिए रेड भी है और येलो में भी है, ये दोनों कलर में है। तो ये प्रॉब्लम आता है दोस्तों नो बूट का, इसको नो बूट बोलते हैं। जैसे कि हमारा ये जब तक ग्रीन नहीं होगा तब तक ये बॉक्स चालू नहीं होगा। अभी ये कंडीशन दोस्तों, हम पहले बॉक्स को ओपन करेंगे। और ये दोस्तों 2012-13 का मॉडल है, बहुत ही जूना मॉडल दोस्तों, बट ये बहुत ही अच्छा बॉक्स है, अभी भी चलता है। तो सबसे पहले दोस्तों, हम इसे थोड़ा गंदगी को साफ करेंगे। तो दोस्तों, कि हमने बॉक्स को चालू साफ कर लिया थोड़ा सा अच्छे से, और अभी भी दिखा देता हूँ दोस्तों आपको, ये लाइट सेम ही है। ये देखिए, अभी भी कोई चेंजेस नहीं हो रहा है दोस्तों। अभी ये कंडीशन में सबसे पहला जो दोस्तों था, हमें पहले इसका वोल्टेज चेक करेंगे। हो सकता है पावर सप्लाई से भी प्रॉब्लम हो सकता है, या इसका रैम ख़राब हो। तो उसके लिए सबसे पहला हमारा जो है वोल्टेज चेक करेंगे। जैसे कि यहाँ पे पहले हम चेक करेंगे 3.3, फिर ये ग्राउंड होता है दोस्तों, ये हमारा 5 वोल्ट होता है, जो हमें 8 वोल्ट मिल रहा है दोस्तों। और जो यहाँ पे होता है दोस्तों हमारा, जो ये हमारा 13 या 14 वोल्ट रहेगा यहाँ पे, देखिए। ठीक है, ये क्लियर होने के बाद जो सबसे पहला दोस्तों हमारा यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे रीसेट पे 3.3, आउटपुट चेक करेंगे 3.3, यहाँ तक तो क्लियर है। उसके बाद से यहाँ पे हम चेक करेंगे दोस्तों 8 वोल्ट, तो हमें यहाँ पे 5 वोल्ट क्लियर आ रहा है, और यहाँ पे भी हमारा 5 वोल्ट हो रहा है। ठीक है दोस्तों, ये सब मतलब वोल्टेज हमारा दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम वोल्टेज में नहीं है। तो अभी ये कंडीशन में हमें या तो ये रैम बदलना पड़ेगा, या तो एक बार वॉश करके चेक करेंगे। सबसे पहले दोस्तों वॉश करेंगे, और ये पावर सप्लाई खोल के बैक साइड में देखेंगे, कोई पॉइंट जो ऐसा तो नहीं है ना ख़राब है। तो सबसे पहले दोस्तों हम पावर सप्लाई खोलते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये पावर सप्लाई में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर भी अभी हमने खोला है तो थोड़ा सा इसको अच्छे से सोल्डिंग कर देंगे। कभी कभी यहाँ से भी प्रॉब्लम आ जाते दोस्तों, इसके वजह से भी बॉक्स चालू नहीं होता है। ये दोस्तों, हमने ऐसे अच्छे से कर दिया है अभी सोल्डिंग, और ऐसे लगाएंगे हम फिर से रिटर्न। और अभी हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको पहले वॉश करेंगे। तो उसके हमें पहला सबसे जरूरी है इसे वॉश करना अच्छे से। अभी हीट मार रहे वॉश करने के बाद, कैसे दोस्तों इसमें CPU के नीचे जो इसका ये रहता है निकल नहीं पाता है, इसके लिए इसे हल्का हल्का गर्म करके निकालेंगे। देखिए जैसे निकल रहा है, देखिए
और दोस्तों ये जो हमारा ये पैनल होता है, ये देखिए ये नॉर्मल पैनल है और सेम वही चीज़ है। तो हमने इसे यहाँ पे शॉर्ट करके रखते हैं स्विच को, ये जो स्विच होते हैं इसको शॉर्ट कर देते हैं जिसे सॉफ्टवेयर उठाएगा। दोस्तों बहुत लोगों को पता नहीं है दोस्तों कि ये कैसे बनाते हैं, तो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये सभी को शॉर्ट कर देने का एक में, ये चार तीनों स्विच जो होता है सभी को अलग अलग शॉर्ट कर देने का एक ही में। तो ये इससे सॉफ्टवेयर के लिए ये बन जाता है, ठीक है दोस्तों। तो अभी हमने ये हमारा थोड़ा सा ठंडा हुआ है सीपीयू, ये थोड़ा सा सीपीयू ठंडा हो गया है और अभी हम इसे लगा के चेक करेंगे एक बार। तो देखिए दोस्तों हमारा फाइनली सॉफ्टवेयर पे आ गया है, जैसे कि मैं आपको दिखा दूंगा। ये नहीं भी लिया तो भी हमारा कोई टेंशन नहीं होता है, क्योंकि ये दोस्तों चलता ही चलता है 100%। तो अभी देखिए जैसे दोस्तों मैं थोड़ा पूछ करता हूँ वीडियो, क्योंकि ये चैनल थोड़ा टाइम देगा। तो दोस्तों देखिए हमारा, मैं पूछ किया था क्योंकि थोड़ा स्टेयरिंग होने के लिए। तो देखिए दोस्तों फाइनली हमारा बॉक्स चालू हो गया है। तो दोस्तों इसमें जो प्रॉब्लम था आपको मैंने दिखाया, कभी कभी रैम का भी फॉल्ट हो जाता है, रैम भी चेंज करना पड़ता है। अभी हमने वॉश किया, वॉश करने के बाद हमारा 100% बॉक्स सॉल्व हो गया। तो दोस्तों ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आते हैं इसमें, छोटे मोटे कभी कभी ये रिसेट भी खराब हो जाते हैं। जो आपको मैंने 3.3 के लिए रिसेट दिखाया, ये भी कभी कभी खराब होता है, इसके लिए भी नहीं होता। तो दोस्तों देखिए अभी हमारा ये ग्रीन लाइट क्लियर हो गया और ये बॉक्स हमारा फाइनली चालू हो गया। तो दोस्तों हमारे वीडियो अच्छा लगे हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।